और एरा फ्रंट का रैपर था, तुसी हाथ मार के देखो तानू मजा आएगा इत्थे हाथ लाउण दा। ये तो काला ही पेंट है। हाँ जी, मटैलिक पेंट कर दिता ग्रिल दे उते। एहो जिहा पेंट ते असी अपने जीरो मीटर ट्रैक्टर ते नहीं करते, बेशक चेक कर लो भी मेरा नवा ही है। ब्लेड वास्ते वक्री लवाई है ते लेजर वास्ते वक्री लवाई है ते नाल ओ हैंड लीवर असेंबली भी लवा दित्ती है ओ भी, ताकि ओ ब्लेड ते कंट्रोल ट्राली वास्ते वक्रा लीवर आ जाए। जिहड़ा है ना कोई 12 लाख रुपया खर्चा आ रहा, क्योंकि अच्छे टायर भी नवे पैने। 2009 मॉडल है जी। गेयर का काम होया सारा, आच एक स्पेसर पिया है, आ देखो पायदान एरे वे किए है, ठीक है। फिर उस तो बाद पिछले हांडे का काम होया, कड़ा पिनियन होया, एक्सल नवे पे है, हांडिया नवियां पई है, ठीक है। शो मरगाड़ एरी सारी नवी पैनी है, इंजन ओवरहाल होया, एरा मुकम्मल ओवरहाल होया। एरा डीजल पंप जरा ना ठीक नहीं सी, लोड चेक किया सी ते लोड पूरा नहीं सी चुकदा, इस करके डीजल पंप खोलिया होया। ते आ 85 है, आ देखो ना आ सारा रगड़ाइया करके पूरा पेंट कढ दिता, देखो सारा सफाई कर दिती है। स्पिंडल एक्सल एंड अगलिया हब्बा बैरिंग नवे, हर शह नवी, इंजन भी ओवरहाल किया है। और इस तो बाद फिर जिस टाइम पेंट हो जाएगा, मास्टर सिलेंडर वगैरह आ भी नवे पै जाएंगे, आ बोतला शोतला हर चीज नवी पाएगी। परकन ही है, 2009 मॉडल है। हर शहर जिहड़ी जिहड़ी खराब है बदल रहे हैं। तकरीबन ट्रैक्टर ते कोई 12 लाख रुपया खर्चा आना, अरे टायर भी बदले जाने, टायर भी हर शायद चेंज करनी। आ गड्डी तैयार होएगी एक महीने तक, 15 दिन मुकम्मल कलर भी, एक इंजन भी, हर चीज कलर करनी। एक गड्डी कलर हुई हुई है, कहिंदे तुहानू ओह दिखा दिंदे आ। इस गड्डी दे उत्ते तकरीबन 12 लाख खर्चा आने, अंदाजा है कि 12 लाख आ जाएगा। नहीं जी, हाँ देखो हूँ 40 लाख रुपए का या 38 लाख रुपए का ट्रैक्टर लैन की बजाय अगले 12 लाख रुपया ला के वो अगले वो मजा आ जाए, तो फिर की है। फिर इंजन की असी BHP पूरी टेस्ट करने इतने अपने डैनो से, हर चीज़ चेक करी दी है, PTO से चेक कर। हाँ जो बंद ने मेरे हाल 8 लाख का लिया, 8 लाख का लैके कोई 3-4 साल चलाया ही, तो वह तो 6 लाख का रह गया, 6 लाख लैके तो 12 लाख होर उ ला लेगा, 18-19 च पै जाएगा। इंशाल्लाह बनेगा, डीलक्स बनेगा, वह भी दिखाने जी। बंद हर रूट हटवाओ, मैं इंजन ओवरहाल हो रहा जी, इस ट्रैक्टर का भी इंजन ओवरहाल हो रहा। किन्ने मॉडल है? चेसी पत्री ते लिखा होगा, नहीं नहीं आएगा जी, कि मॉडल है 18 मॉडल है, 18 मॉडल है, भी इंजन हो रहा है। एक आ गड्डी हैगी है, IMT है, बुल पावर, आ बुल पावर का भी इंजन आज तो 5 साल पहले होया सी, साढ़े को करवा के गया सी, हूँ दोबारा भी ऐसे का इंजन कर रहे हैं 5 साल बाद। और माशाल्लाह मैं उन्होंने कहा यार टाइम नहीं है, कहते नदीम साहब तुम तो वेले होना ही नहीं, मैं लिया के खड़ा कर देना, जो होएगा कर देना। एक एरा माशाल्लाह हिस्सा उस्सा कर रहे हैं, एरा फ्रंट हिस्सा हो रहा, आ भी 85 है, एरा फ्रंट हिस्सा हो रहा। हूँ तुम्हें पेंट वाला दिखा देना, अंदर बत्तियां पा ली, अंदरों लाइट आ देखो जी, आओ जी, आ देखो जी, आ 2006 मॉडल जी। एरे बेच इंजन एरा जेड़ा सी वह ठीक सी, इंजन ठीक सी, सिर्फ एक एरा इंजन च प्रॉब्लम सी, एरा तेल पानी मिक्स हुंदा ही ते एरा कूलर खराब सी, असी कूलर बदल दिता, ठीक है। उस तो बाद गेयर दा काम कीता है,
कड़ा पिनियन पाया, हांडी कड़ा कड़ा पिनियन पाया, हाइड्रोलिक पंप किया, टॉपा किया, ब्रेका की है, पिछलियाँ हांडिया की है, मरगाड़ नवे पाए है, एक्सल नवे पाए है, मुकिया नवियाँ पाई है, अगलिया हब्बा नवियाँ पाई है, तो इस साइड तो आ जाओ, लाइटा भी सारिया नवी, वायरिंग सारी नवी, और इधरों आ देखो आ सारे मास्टर सिलेंडर नवे, यूनिट नवा, ठीक है, सारा ट्रैक्टर तुहानू पिछों भी देखो तुहानू ब्रैंड न्यू नज़र आएगा, सिर्फ इहनू स्टिकर लगन वाले रह गए, बाकी सारा गड्डी कंप्लीट है। तो एर के उत्ते इस गड्डी के उत्ते माशाला 7.5 लाख रुपया खर्चा आया, और एरा फ्रंट का रैपर तो तुम हाथ मार के देखो तुहानू मज़ा आएगा इतने हाथ लाने का। हाँ जी, मटैलिक पेंट कर दिता ग्रिल के उत्ते, एहोजा पेंट तो असी अपने 0 मीटर ट्रैक्टर तो नहीं करते, बेशक चैक कर लो भी मेरा नवा ही है, और हाथ ला के देखो और एर तो तुम बहुत मजा आएगा। एरी चमक ज्यादा, मोटैलिक पेंट और शाइनिंग ज्यादा कर दी है, आ देखो ना सारिया आज जड़िया चीज़ा है आ सारिया नवियां ला दी है, ताकि गड्डी नवी नज़र आए। हुण बैक साइड तो भी देखो तुहानू गड्डी नवी नज़र आएगी, बैक साइड तो आ जाओ थोड़ा जिहा, टायर नहीं चेंज कराया, देखो मैं इधर आ जाना, आ देखो इस साइड तो देखो, इस साइड तो संगलियां आलिया संगलियां जिहड़ियां कोई कंपनी ला के देंदी है, देखो जरा असंगली देखो स्काई दी, वो जो बंदे ने बनाना है उन्हें बनानिया ही बंद कर दी, कहिंदे एड्डी महंगी पैंदी है बारे च ही नहीं, आ देखो किड्डी भारी संगली लाई, असंबलियां ने दो डबल लवाई है, डबल कपलर लवाए है, डबल असंबली लवाई है, नहीं आ लैदा आ लैदा आ तकरीबन एरे उत्ते मेरा हाल है असंबली आ ते कपलर उन्हें कोई 40,000 रुपया 50,000 एर ते ही ला दिता, अजाफी ला दिता, आ असंबलिया चीज़ा उन्हें खुद बाई की सी, फिट असी की है, लेकिन बड़ा औखा जहा काम है फिट करना, डबल लाता उन्हें ब्लेड वास्ते वक्री लवाई है, तो लेजर वास्ते वक्री लवाई है, तो नाल वो हैंडलीवर असंबली भी लवा दी है, वह भी ताकि ब्लेड तो कंट्रोल ट्राली वास्ते वक्रा लीवर आ जाए, आ बड़ा औखा जहा काम है, टाइम बड़ा लगता, 3 दिन लग गए इन्हें फिटिंग कर, नहीं उन्हें उन्हें आइडिया दिता सी, लेकिन इंप्लीमेंट जिहड़ा है ना इहनू सलीम साहब ने किया है, 3 दिनों दे विच सारी फिटिंग हुई है, अरे पैप देखो किस तरह के लोहे के पैप लगे है, तो की लगा है, डबल डबल काम आहो जिहा काम जिहड़ा ना छेती किते अहीं फड़दे नहीं, टाइम ही नहीं इन्ना आउंदा, तो बस फिर फिर टाइम वह भी बर्दाश्त करे, फिर टाइम लेना पड़ेगा, टाइम तो बगैर नहीं काम होता, अजकल तो हूं महीना किसी टाइम नहीं, ना इंजन का ना गेयर का कोई कोई बंदे का काम जिहड़ा है ना असी इस सीजन के होर नहीं फड़ना, मतलब लोग कहन जी नदीम साहब साढ़ा वीडियो जाती है हर बंदा अस ट्रैक्टर कराना, लेकिन आ महीना जिहड़ा ना जिहड़े असी फड़ लेते हुए ना हूं तक सिर्फ वो ही करेंगे, सीजन तो बाद दोबारा करें फड़ेंगे ट्रैक्टर, ठीक है नदीम साहब, बहुत मेहरबानी, ओके ओके।